तो यार इस चैनल पे काफ़ी दिन से वीडियोस नहीं आ रही थी, यानी कि फेस कैम वीडियो नहीं आ रही थी। वैसे तो मैं वीडियो काफ़ी डाल रहा हूँ, लेकिन मैं फेस कैम वीडियो नहीं डाल रहा था। तो सोच रहा हूँ कि अब वीक में एक दो वीडियो जो है आपको फेस कैम दिया जाए, जिसमें हम कुछ अलग जानकारी साझा करने की कोशिश करें और हम आपको कुछ यूट्यूब से रिलेटेड हेल्प करने की कोशिश करें, या फिर जो भी हमसे मदद हो सके हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करें। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि जो है आप YouTube पे किसी भी वीडियो का SEO किस तरीके से कर सकते हो। मान लीजिए जब आप वीडियो अपलोड करते हो तो उसका आप SEO किस तरीके से कर पाओगे। SEO का मतलब ये होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि आपका वीडियो जो है कहाँ पे कितना सर्च में आने वाला है वो सारा कुछ SEO पे डिपेंड करता है। तो आप अगर अपने वीडियो का SEO अच्छे तरीके से करते हो तो आपकी वीडियो डेफिनेटली आगे जाने वाली है, और सर्च रिजल्ट में जो वीडियो आएगी वो आगे जरूर जाएगी। क्योंकि अगर आप उसका थंबनेल थोड़ा बढ़िया से बना देते हो और सर्च में आ रही है वीडियो, तो वो जो है लोगों के द्वारा उस पर ज़्यादा क्लिक किया जाएंगे। अगर क्लिक किया जाएंगे तो उसका जो CTR है वो इंक्रीज होगा। अगर इंक्रीज होता है तो बाई द चांस आपकी वीडियो का वायरल होने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है। देखो यार, वीडियो अपलोड करते समय ठीक है, जो आप टाइटल में लिख रहे हो, जैसे कि आपने जो कुछ भी टाइटल में लिखा ठीक है, उसको सेम आप जो है उसको कॉपी कर लो और सेम वही चीज़ डिस्क्रिप्शन में सबसे टॉप पे जो है उसको पेस्ट कर दो। यानी कि जो आपके टाइटल में है वही चीज़ डिस्क्रिप्शन में भी होनी चाहिए ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना है वीडियो के बारे में, कि आपने वीडियो के बारे में क्या बताया है, वीडियो के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको थोड़ा सा उसमें मेंशन कर देना, पूरा डिटेल में एकदम बता देना है उसमें। आप जब लिखेंगे ना ये सब सारी चीज़ें कि मैंने ये वीडियो में क्लियर किया, तो लोग जब वो सब सारी चीज़ें सर्च करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो भी उससे मैच कर जाता है, तो उससे भी सर्चेस आपके बढ़ जाते हैं। और उसके नीचे आप एक चीज़ और ध्यान रखना कि जैसे वीडियो में आपने जो जो टॉपिक कवर किए हैं या फिर जो जो वीडियो के लाइक कीवर्ड्स हैं वो आप वहाँ पे लिख दो, योर क्वेरीज करके एक ऑप्शन डाल दो और वहाँ पे जो है लाइनिंग बाई लाइनिंग वहाँ पे लिखते चले जाओ ठीक है। तो वहाँ पे चार छः जो है कीवर्ड्स लिख दो अपने ठीक है, पूरा फ्रेज बना के। यानी कि जैसे कि आपने कोई वीडियो बनाया कि YouTube पे वीडियो अपलोड कैसे करें ठीक है, तो आपने वहाँ पे लिखना है कि हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन YouTube, YouTube पे वीडियो कैसे अपलोड करें, YouTube पे वीडियो कैसे अपलोड किया जाता है, YouTube पे वीडियो अपलोड करने का सही तरीका ठीक है, ये भी लोग सर्च करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आप जो है उसमें अपने हिसाब से जो आपके माइंड में हो वो आप वहाँ पे लिख दो ठीक है। उससे ये होगा कि जो आपकी वीडियो की जो रैंकिंग है ना वो बढ़ जाएगी, जो आपके कीवर्ड्स हैं कहीं ना कहीं उससे भी आपका SEO हो जाएगा, और उससे जो लोग सर्च करते हैं उससे मैचिंग अगर होगा ना, तो जाहिर सी बात है आपकी वीडियो सर्च में आएगी। अगर सर्च में आएगी तो आपकी वीडियो जो है पक्का वायरल होगी, एक ना एक दिन तो होना तय है अगर सर्च में आप ला लेते हो तो। सबसे बड़ी चीज़ SEO होती है जो कि ऑर्गेनिकली वीडियो का व्यूज बढ़ाती है, और उसी तरीके से जो है लोग आगे बढ़ पाते हैं। एडवर्टाइज कितना करोगे आप, पैसा लगाओगे आप, उसका कोई मतलब नहीं है। आप लगाओगे ठीक है, लगा रहे हो, जब तक आपकी वीडियो वायरल नहीं हो रही है ना उसका कोई मतलब नहीं है, कितना भी आप एडवर्टाइज कर लो ठीक है। और एक चीज़ और होता है कि आप जो है टैग, जो टैग लिखा जाता है ना, टैग में अपने चैनल का नाम जरूर दीजिए। चैनल का नाम देने से जो आपके चैनल का नाम सर्च करेगा वहाँ पे आपकी वीडियो सर्च तो होंगे सही तरीके से ठीक है। तो टैग में आपका चैनल का नाम होना चाहिए, और आपको टैग में जो है जो आपने वीडियो के बारे में बताया उसको भी आप थोड़ा सा मेंशन कर देना ठीक है, कि मैंने ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे वीडियो में क्लियर की हैं। जैसे कि मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन में जो चीज़ लिख रहे हो वो चीज़ आप टैग में भी थोड़ा सा डाल दो ठीक है, और जो चीज़ आपने टाइटल में लिखा है उसको आप टैग में तो ज़रूर डाल देना, सेम वही वही चीज़ ठीक है। तो टाइटल में आपको पता है कि दो तीन चीज़ें आप लिख देना, मैंने जैसे कि यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कैसे करें, तो वहाँ पे आप लिख दो कि हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब, ये मैं टैग की बात कर रहा हूँ ठीक है, और लिख दो कि यूट्यूब पे वीडियो कैसे अपलोड करें, जो कि आपने डिस्क्रिप्शन में चार पांच चीज़ें दी थी वो आप जो है टैग में भी दे दो अपने ठीक है। और टैग में आप थोड़ा थोड़ा और चीज़ें मेंशन करो, तो जैसे कि अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब, यूट्यूब वीडियो अपलोडिंग, YouTube वीडियो अपलोड प्रोसेस ठीक है, ये सब सारी चीज़ें कुछ मतलब कि उससे मिलता जुलता आप टैग में आप छोटा छोटा ही लिखना, और टाइटल डिस्क्रिप्शन का जो आपने दिया था वो तो लिख ही देना टैग में ठीक है। तो उससे होता क्या, और एक चीज़ और ध्यान रखना, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जो है वीडियो के प्रोसेस होने यानी कि अपलोड होने से पहले ही ये सब सारी चीज़ें लिख दो, ये आप ध्यान रखना ठीक है। क्योंकि जब वीडियो प्रोसेसिंग करने लगती है ना 95% पे जाके रुकती है, तो वहाँ पे आपका सारा सर्च जो है मैच करता है सही तरीके से, कि आपकी वीडियो कहाँ रैंक करेगी, कहाँ पे आपकी वीडियो शो होगी ठीक है। तो आप जो है वीडियो को प्रोसेस होने से पहले ही आप सारी चीज़ें देख लो,
उसके पहले ही आपको अपना टाइटल, डिस्क्रिप्शन और आपका टैग जो है मेंशन हो जाना चाहिए और वहाँ पे ऐड कर दो उसको, ताकि वो जो है अब प्रोसेस करने से पहले ही सारी चीज़ें वो समझ सके, ठीक है। प्रोसेस के पहले ये सब सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करके रखनी है, उसके बाद प्रोसेसिंग हो तो बढ़िया रहता है, वीडियो की रैंकिंग अच्छी होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपको YouTube पे जो वीडियो आप डालते हो उसका SEO किस तरीके से किया जाता है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइड में जो बेल आइकन उसको आप प्रेस कर सकते हैं, ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले जो भी मैं फ्यूचर में पब्लिश करूँगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अगर पसंद आई होगी तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करेंगे जो कि इस वीडियो को चाहते हैं, जिससे उनकी मदद हो सके, ठीक है। तो आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।